back from the dead. हे गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आई थी कि पतंग देवी का व्लॉग बनाओ, बड़ी पतंग देवी का व्लॉग बनाओ। तो लो गाइस, आपकी ख्वाहिश पे ये व्लॉग आ चुका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अब मैं आपको नहीं बताने वाला कि आगे क्या होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस यहाँ पे देखिए, श्री बड़ी पतंग देवी के सामने कितनी लाइन लग रही है, भीड़ हो रही है पूरी। चलिए चलते हैं। जय माँ पद्मेश्वर, सभी श्रद्धालुओं का माँ के इस पवित्र धाम में स्वागत है। सभी भक्तों से अनुरोध है कि माता के दर्शन करते समय एक दूसरे से दूरी। माँ पद्मेश्वरी आपका सदा कल्याण करें। जय माता दी। दूरी बनाए रखे, माता मंदिर के नव निर्माण हेतु दान देकर पुण्य का भागी बने। भक्तों से अनुरोध है कि दान देकर रसीद अवश्य प्राप्त करें। माँ पद्मेश्वरी आपका सदा कल्याण करें। जय माता दी। भक्तों से अनुरोध है कि माता के दर्शन करते समय एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। माता मंदिर के नव निर्माण हेतु दान देकर पद्मेश्वरी आपका सदा कल्याण करें। भक्तों से अनुरोध है कि दान देकर रसीद अवश्य प्राप्त करें। हवन हो रहा है गाइस यहाँ पे। गाइस यहाँ पे हवन करते हैं। गाइस यहाँ से प्रवेश द्वार और निकास द्वार
जा भी सकते हैं। यही है वो द्वार जहाँ से आप आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। यही वो रास्ता है। भाई ये माँ पटनेश्वरी का मंदिर है, इसी की वजह से पटना शहर का नाम पड़ा। आपको पता है पटना का नाम पटना क्यों पड़ा? क्योंकि बड़ी पटन देवी को पटन देवी से पता चल रहा है कि उनके इनकी वजह से शहर का नाम पटना पड़ा। भाई तभी मंदिर निर्माण कार्य पे आप देख सकते हैं पीछे थोड़ा बहुत बन रहा है, तो कोई बात नहीं, अपने तो माता के दर्शन आपको कराइए। आज की सारी वीडियो में आपने देखा, मैंने आपको श्री बड़ी पटन देवी के दर्शन कराए थे। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।